इस धरती का इतिहास पुराना है, यहाँ बौद्ध सभ्यता का दबा खजाना है। यही हड़प्पा सिंधु नदी पर बसती थी, जहाँ व्यापार करने को दुनिया तरसती थी। इसी धरती पर गौतम बुद्ध ने जन्म लिया, धम्म देकर भारत को प्रबुद्ध किया। यहाँ मौर्यों ने जब शासन सत्ता संभाली, चारों ओर फैल गई खुशहाली। इस धरती पर जन्मे अशोक महान, जिन्होंने समझा सबको एक समान। बुद्ध का धम्म देश विदेश पहुंचाया, चीन जापान श्रीलंका को बौद्धमय बनाया। यह पुष्यमित्र शुंग को रास न आया, इस धरती को धोखे से बंदी बनाया। जाति वर्ण बनाकर भेदभाव किया, बौद्धमय भारत का नाश किया। इस धरती पर जन्मे कबीर रैदास, वेद शास्त्रों को बताया बकवास। जाति प्रथा मिटाने का बीड़ा उठाया, जन्म से ऊंच नीच का भेद मिटाया। इस धरती पर था एक फूले परिवार, दिया सभी को शिक्षा का अधिकार। ज्योतिबा ने रूढ़िवादी परंपराओं को मिटाया, सावित्री बाई को शिक्षक बन स्वयं पढ़ाया। सावित्री बाई ने शिक्षित बन बच्चियों का स्कूल खोला, यह सब देखकर ब्राह्मणवाद का सिंहासन डोला। विरोधियों ने फूले दंपत्ति को घर से निकलवाया, फातिमा शेख ने ज्योतिबा सावित्री का साथ निभाया। यही जन्मे थे बिरसा, जलकारी बाई, अंग्रेजों की जिन्होंने नींद उड़ाई। इस धरती पर हुए एक शाहू महाराज, जिन्होंने नकारे रूढ़िवादी रीति रिवाज। यहाँ जन्म लिया बालक भीमराव ने, समाज बदलने की ठानी जिन्होंने। भीमराव ने समाज बदलने की जब ठानी, रामाबाई ने दे दी बच्चों तक की कुर्बानी। डॉक्टर अम्बेडकर ने इस धरती को धन्य किया, कड़ी मेहनत से लिखकर संविधान दिया। इस धरती पर हुए एक रामास्वामी पेरियार, जिन्होंने काल्पनिक अवतारों को फेंका बाहर। दक्षिण भारत में बुद्ध को जीवित किया, मनुवाद को लात मारकर बाहर किया। इस धरती का इतिहास पुराना है, यहाँ बौद्ध सभ्यता का दवा खजाना है। जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।